गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू दी चैनल नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अलग अलग डिफेंस स्टडीज़ के कोर्सेज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जहां पर मेरा स्कोरिंग भी अच्छा था और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली रह चुका है। हालांकि हम उन चीज़ों के भी बात करेंगे, उन कॉलेजेस के बारे में जहाँ मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट वहाँ मेरी उतनी क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो मैं पहले अपने कवर किए हुए कॉलेजेस के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये एक ईमेल है जो मद्रास यूनिवर्सिटी से मुझे लास्ट ईयर आया था, और लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मद्रास यूनिवर्सिटी वांटेड टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर दिस एज दे यूजुअली डू, बट लास्ट टाइम वी वर वेरी लकी कि वहाँ पे हुआ नहीं और हमें डायरेक्टली हमारे मार्क्स देख के मेरिट लिस्ट बनाई गई। मेरा परसेंटेज ग्रेजुएशन में अच्छा था, 89.77% मेरा था। बीए मैंने जब किया था तो उसके बेस पे मेरा पहली लिस्ट में यहाँ पे नाम लग गया। और ये फ़ोटो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कांटेक्ट मद्रास यूनिवर्सिटी के डिफेंस डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। अगर आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं कि भाई इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो यहाँ से आप कांटेक्ट डिटेल्स आप डायरेक्टली ले लो। बाकी मैं आपको जानकारी अभी दे ही देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो है इनकी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की। जैसे ही आप ओपन करोगे इसे, अभी तो नहीं है बट थोड़ी देर पहले जब मैंने साइट ओपन की, तो एकदम से इसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई करिए, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, जब आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जाओगे तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख लेना कोर्स के हिसाब से कैसी है। हमारे डिफेंस सब्जेक्ट के लिए तो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से एक्सेप्टेबल होता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसका कोई इशू नहीं है। जब आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे 4 या 5 हज़ार कुछ फीस है एक साल का, यानी एक सेमेस्टर का 2 हज़ार मान लो आप, तो 5 हज़ार से भी कम फीस में आपका ये कोर्स हो जाएगा। हालांकि ये कोर्स फुल टाइम है, नालसार की तरह इसमें डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है। जो आपसे 40 हज़ार रुपये ले रहा था, ये 5 हज़ार में है लेकिन फुल टाइम है। और वही मद्रास में यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली आपको हॉस्टल वगैरह भी देखना होता है, बट अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है। एलिजिबिलिटी कंडीशन मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एमए के दिए हुए हैं। हमारे काम की चीज़ जो है वो ये है, इसमें डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये आप देख सकते हैं ब्लू में। इसमें इन्होंने दिया है कि किसी भी चीज़ में अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आप कल्चर बैकग्राउंड से हैं, आपने म्यूज़िक की पढ़ाई की है, अगर आप होम साइंस या होटल मैनेजमेंट जैसा कुछ पढ़ाई करके आए हो, तो शायद आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये एक नया चेंज मुझे इसमें दिखता है कि रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिव। तो ये क्या एक्चुअल मामला है ये मुझे नहीं पता, क्या ये लोग डिस्टेंस में ऑफ़र करते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। आप यूनिवर्सिटी से ही डायरेक्ट इसमें पूछ सकते हो। रेगुलर तो खैर मैं आपको बता देता हूँ ये एप्लीकेबल है, और यहाँ अगर आपको डिफेंस नहीं करना है तो आप एमए आईआर भी कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको बीए पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अभी हम कोर्स में सीधा चलते हैं। ये सिलेबस है इनका, एमए डिफेंस का सिलेबस है। यहाँ पर पूरा 4 सेमेस्टर का सिलेबस दिया हुआ है जिसमें आईआर वगैरह भी है, इवेल्यूएशन पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल्स आपको क्या पढ़ने हैं इसके पीडीएफ इनके पास अवेलेबल है। ये भी सारी जानकारी आपको इस ब्रोशर से डिटेल्ड मिल जाएगी, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। अगर आप मान लो मद्रास में नहीं भी कर पाए तो भी ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आप पढ़ लेना, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आई मस्ट टेल यू इज़ अ वेरी ओल्ड डिपार्टमेंट, वेरी रेप्यूटेड डिपार्टमेंट। और जो इंडियन आर्मी की एकेडमी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, वहाँ के कैंडिडेट्स को जब डिफेंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो उन्हें इसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। सो दैट शुड टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अभी हम वापस अपनी जगह पे चलते हैं। डिफेंस का डिपार्टमेंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट है। फ़ीस अभी यहाँ पर अपलोड हुई नहीं है, लेकिन 5 हज़ार से ज़्यादा फ़ीस नहीं थी लास्ट टाइम भी, और गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इतना कोई फीस का भी इसमें इशू नहीं है। कोर्स अगर आप देखें तो एमए अवेलेबल है एज यूजुअल, एमफिल भी है लेकिन अभी नहीं होगा बिकॉज बंद हो गया एमफिल इंडिया में, और पीएचडी आपका फुल टाइम या पार्ट टाइम हो सकता है। वही अगर आप फैकल्टी देखें तो 3 फैकल्टीज़ हैं इनके पास, इनका प्रोफाइल आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हो। कोर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, और अभी अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। टाइम टेबल अभी तक इन्होंने डाला हुआ नहीं है, एंड अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बचता है कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक तो ये देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था,
ओपन करते ही आपको ये लेटर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप अप्लाई कर दोगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ से आ जाती है, और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। आई थिंक शायद ये क्लोज हो चुका है इस बार के लिए। ओह यस, तो शायद मैंने वीडियो लेट बना दी। एमफिल कोर्सेज का अभी भी चल रहा है, लेकिन पीजी का बंद हो चुका है। तो अगर जिन्होंने पहले ही किया है, ऑल द बेस्ट टू देम। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी एंट्रेंस होगा, तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स ही यहाँ पे काम आने वाले हैं। और जिनका क्लोज होने की वजह से मिस हो चुका है, वो आगे जाके भी इसके लिए अगले साल अप्लाई कर सकते हैं। इफ द पैंडेमिक कंटिन्यूज, यू विल बी लकी कि बिना एग्जाम के आपको एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज आगे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इससे भी बेहतर है, उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो ये थी बेसिक जानकारी। अभी मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। आई होप कि आपको बेसिक यहाँ से पता लग गया होगा, और आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस एटलीस्ट मेरी नज़र से देखते हुए कर पाओगे कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो अभी हम एंड करते हैं। आई थैंक अ लॉट फॉर लिसनिंग, एंड आई अपलोड सब्सिक्वेंटली आई अपलोड अनदर वीडियो फॉर अनदर यूनिवर्सिटी दैट आई हैड अप्लाइड। उसका भी मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा।